एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक रंगीला नाम का हिरन रहा करता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था और किसी की तबीयत खराब होने पर उनसे मिलने के साथ साथ उसके लिए औषधियाँ भी ले जाया करता था। वह अपने मेहनत और लगन से चारों ओर हरियाली फैलाए रखता था। एक दिन वह स्वयं बीमार पड़ जाता है। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह स्वयं से कुछ जड़ी बूटियाँ लाकर खाई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बीमार होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन उसको देखने कोई नहीं जाता है। इस बात से वह बहुत दुखी होता है। उससे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वह उड़कर कुछ दूर आता है। उसे आगे दो हिरन दिखाई देते हैं जो उसके बागीचे में बड़ी बड़ी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, रंगीला हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रंगीला बोलता है, तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो दोनों कहते हैं, हाँ हाँ कोई अच्छी दवाई लेना, तुम अब आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला आराम करने चल देता है और वो दोनों फिर से घास खाना शुरू कर देते हैं। घास खाकर वो कल फिर आने को कहते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अपने इलाके में जाकर वो और हिरनों को रंगीला के बागीचे के बारे में बताते हैं और कल अपने साथ चलने को कहते हैं। अगले दिन वो सब फिर से उसके बागीचे में जाते हैं और उससे उसका सिर्फ हाल पूछते हैं और तुरंत वो हरे हरे बड़े घास खाने शुरू कर देते हैं। ये देखकर रंगीला उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त भालू आता है और बताता है कि वह उसके लिए दवाई लेने बहुत दूर चला गया था, इसीलिए उसको आने में बहुत देर हो गई। वह रंगीला से माफी मांगता है और उसको वह दवाई देता है। रंगीला दवाई खाता है और कुछ समय बाद वह एकदम ठीक हो जाता है। भालू उसके साथ ही रहता है। वह दोनों टहलने के लिए अपने बागीचे में जाते हैं। वहाँ की सारी घास फल फूल सब खत्म हो गए। रंगीला बहुत उदास हो जाता है। फिर भालू उसे कहता है कि हम फिर से मेहनत करके पूरा बागीचा पहला जैसा कर देंगे। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चा दोस्त हमारे सुख और दुख में सब में काम आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि जब भी हम वीडियो चढ़ाएं तो आपको देखने को मिल जाए।